पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बृहस्पतिवार को कोविड 19 रोधी टीका लगवाया और अपने देश के लोगों से महामारी के मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए नियमों का पालन करने का आग्रह किया। इमरान खान के कार्यालय ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। इमरान खान के कार्यालय ने ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री इमरान खान को आज टीका लगाया गया। इस अवसर पर उन्होंने देश के लोगों से महामारी की तीसरी लहर के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पाकिस्तान ने इसके साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में लॉकडाउन की भी घोषणा की है। बता दें कि पाकिस्तान इस साल कोरोना वैक्सीन को खरीदने के विचार में नहीं है। पाकिस्तान सरकार ने साफ किया है कि वो अपने पड़ोसी देशों से दान में मिले कोरोना वैक्सीन से ही देश में लोगों को वैक्सीन मुहैया कराएगा। वहीं भारत ने ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के 1,60,00,000 डोज पाकिस्तान को दान में दिए हैं। भारत में 3 करोड़ से ज्यादा को मिली वैक्सीन। फिलहाल भारत में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, जिसके बाद से लेकर अभी तक 3,71,43,255 कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं देश भर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसारता दिख रहा है। भारत में अभी तक कुल 1,15,13,945 से ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, जिसमें से 1,60,000 के करीब लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। वहीं देश भर में 1,10,81,335 कोरोना संक्रमित लोग इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वर्तमान में तकरीबन 2,73,205 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।